सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने के पहले श्री परम ज्योति कल्कि द्वारा प्रकटित बोध को देखते हैं। अनुभव करने के लिए अनुभावक की आवश्यकता नहीं है। और अब आज का चमत्कार। कुछ महीने पहले मेरे पास दुखी होने के कई कारण थे। मेरे पति को शराब की लत है, घर पर परिस्थिति बहुत खराब है, मैंने कितना ही निरादर और परेशानियां झेली है। पीकर मेरे पति कहीं सड़क के किनारे पड़े होते थे, मुझे इससे बहुत पीड़ा, दुख और डर लगता था। पर अब मेरी कहानी बदल गई है। एकत्वम क्लासेस और श्री भगवान की क्लासेस ही मेरा एकमात्र सहारा थी। आज मैं जीवित हूँ तो केवल श्री परम ज्योति कल्कि के अनुग्रह से। श्री परम ज्योति कल्कि की शिक्षा, आंतरिक सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए मुझे ये समझ आया कि कोई भी परिस्थिति क्यों आती है, और हर कदम पर मुझे ईश्वर का मार्गदर्शन मिला। मैं यहाँ एक घटना का अनुभव साझा कर रही हूँ। एक हफ्ते पहले मेरे पति केरल गए थे। वो शराब के नशे में सड़क के किनारे गिर गए। उन्होंने अपने पास से गुजरते किसी व्यक्ति से कहकर मुझे फ़ोन करवाया और मुझे बताया कि वो कहाँ थे। मैंने उस व्यक्ति से उन्हें पानी देने का निवेदन किया। यहाँ हैरानी इस बात की थी कि मुझे ना तो गुस्सा आया ना डर था, केवल शांति थी। और मैं खुद इस बात पर हैरान थी कि ये सुनने के बाद भी कि मेरे पति नशे में चूर होकर सड़क पर गिरे पड़े थे, मेरे अंदर कोई संघर्ष नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। फिर वे दो दिन बाद घर लौटे। उनके नहाने के बाद मैंने उन्हें खाना और दवाइयाँ दी, ना उन्हें डांटा और ना ही उनसे कोई जवाब तलबी की। वे जैसे हैं उन्हें मैंने वैसे ही स्वीकार किया। उन्हें जब खाना चाहिए उन्हें खाना दे देती हूँ। कोई सवाल या संघर्ष, डर या नफरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। जब काम करती हूँ तो पूरा फोकस काम पर रहता है। पिछला सब कुछ एक प्रकार से मिट गया है। कोई दुख नहीं है। श्री परम ज्योति कल्कि ने मुझे ये सबसे बड़ी सौगात दी है। मैं अपनी इस स्थिति पर अचंभित हूँ। पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, और मेरे पति की आदतों के कारण जीवन में हम लोगों की प्रगति को लेकर चिंतित रहती थी। पर अब कोई दुख, संघर्ष या चिंता नहीं है। मैं केवल अपने काम पर फोकस करती हूँ। आंतरिक आनंद और शांति है। मेरे काम पर मैं पूरी तरह फोकस कर पा रही हूँ। श्री परम ज्योति कल्कि को कोटि कोटि धन्यवाद। जन्म जन्मांतर तक श्री परम ज्योति कल्कि के कमल चरणों में रहूँगी।